हे गाइस, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। और आज हम फिर से खेलने जा रहे हैं FS19, और ये सीरीज का तीसरा एपिसोड है। और आज हम नए हार्वेस्टर बाय करने वाले हैं, तो फिर चलिए स्टार्ट करते हैं। चलो, और आज देखो भाई से मैंने 2,34,000 डॉलर में 234,000 डॉलर्स कर रखे इकट्ठा भाई साहब, मतलब एकदम तगड़ा वाला काम कर रहा है। लेकिन अभी भी थोड़े बहुत वो और करने हैं, मतलब थोड़े बहुत पैसे और इकट्ठे करने हैं। इसके लिए हमें देखना होगा थोड़ा सा। और देखो सब कुछ बेच दिया मैंने, सब कुछ जीरो जीरो, बस ये रह रहा है बाढ़ ले, ये भी बेच पाता हूँ डाकलेस में। और ये जो मार्केट में ये बाद में बेच पाएंगे, ये क्या कहते हैं ओट्स, मैंने हॉर्सेस के लगाए थे, हॉर्सेस का ओट्स खत्म होने वाला है इसीलिए। तो गाइस पूरा एंटर देखना, आज हम नया हार्वेस्टर लेने वाले हैं बहुत बढ़िया वाला। और उस हार्वेस्टर लेने के लिए मुझे 285 का हार्वेस्टर है और 90,000 का कटर है इसका। तो 285 और 95 हो गए, 90 हो गए, 375 राइट। तो 375 चाहिए ना, जिसमें 234 है हमारे पास, और 70,000 जो है 75,000 वो देगा अपना हार्वेस्टर। 70 मान लो, 70 हो जाएगा तो 3 लाख हो गए, 3 लाख हो गए। अब बच्चे 60-70,000 वो चाहिए बस, अगर फिर हमारे नया हार्वेस्टर आ जाएगा। और अब हम घोड़े ही बेच सकते हैं, ऐसे तो इजीली 2-4 मिनट में हो जाएंगे पैसे जितने बेचे ना। मैं सोच रहा हूँ घोड़े ना बेचने पड़े, घोड़े अगर डेली वाले में बेचे तो फ़ायदा होगा बहुत। कोशिश मेरी भी रहेगी कि घोड़े ना बेचें, वो वाला फिर भी इसका हार्वेस्टर में पहले से अभी जो भी थोड़ा सा है वो बेचाते हैं फिर जो मार्केट में, फिर आगे काम करते हैं। तो चलो फिर बिग जो मार्केट में चलते हैं, यहाँ पे आराम से बहुत तेज में चल रहा है। अब ठीक है, थोड़ा सा पैसे मिलेंगे, 10,000 के आसपास, ज़्यादा नहीं मिलेंगे। ये आवाज़ ना सकती है, ये सिर्फ अंदर कैबिन में आती है। 10,000 ही मिलेगा आई थिंक, 11,000 नाइस। चलो हम इस पर 3 लाख कर देंगे ना, तो बढ़िया जाएगा काम हमारा एकदम। शॉर्ट कट मारते हैं, 3 लाख करने के लिए अभी भी 60,000 चाहिए इसका फुल टाइम करने वाला है। और सिंह हॉर्सेस को देख के आके फिर जितने भी ओट्स बचे वो भी बेच देंगे आपके यहाँ रख के करने जा रहे हैं नए गाड़ों में, कम से कम घोड़े तो नहीं बेचने पड़ेंगे। ये मस्त बात आती है जब कैबिन के अंदर हो ना, एकदम रियलिस्टिक फीलिंग आती है। जब नीचे होगा ना दिमाग करके जब थोड़ी थोड़ी आवाज़ आई ना, जैसी गाड़ी भी आती है वैसे। ओए बचा भी गिर जाता है ना इस पर, बड़ा मुश्किल कर देता है फिर। ओह बहुत तेज आवाज कर रहा है रशर तो। चल भाई आगे तो चल, लेता रहूँगा जिससे चलते हैं आगे। अभी सारा ओट्स आके उनको दे आएंगे हॉर्सेस को, फिर देखते कितना ओट्स बचता है, क्या हम बना सकते हैं इससे। चलो हो गया ओट्स तो बिल्कुल थोड़े से ही है, ये तो वही ले लेंगे सारे सारे हॉर्सेस हमारे।
पहले एक बार चेक कर लूँ हर चीज़ का क्या हाल चाल है, ट्रेनिंग दिखनी थी एक को देने। ओके 37,000 का, 37,000 हो गया भाई जिनके प्राइस, यानी कि 13,000 ऑर्डर पर नाइन का प्राइस। मैं सोच रहा हूँ 13,000 बनने का वेट ही कर लूँ, या नहीं तो एक दो बोलो बताओ भाई कैसे करना चाहिए। एक काम करते हैं, नहीं तो एक घोड़ा भेज दीजिए 40,000 अब अगले दिन करके ना, एक घोड़ा भेज दीजिए अगर पैसों की कमी पड़ी तो, नहीं तो नहीं भेजेंगे। हाँ बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, नहीं तो 10,000 और होने के बाद ही बेचेंगे हम, क्यों बेचेंगे पहले। और इस हार्वेस्टर लेने के बाद मैं आपको प्रॉपर किट बताऊँगा बेलिंग के लिए, कि बेलिंग के लिए आपको कौन सी किट यूज, मतलब किट मतलब एक सेट ऑफ टूल्स, टूल्स का जैसे मोवर हो गया, टेडर हो गया, विंडोर हो गया, उसका सेट बना के एक तरह से किट बना के मैं आपको बताऊँगा कि कितना प्राइस लगता है उसमें, तो पूरी ले गए और भी चाहिए। एक सेकेंड पहले ही मैंने पत्ते से किया वो सही करती हूँ, काम को टाइम कर गए तो मैंने ऐसे ही लिया, बस किसी काम का है नहीं है टैंकर, बड़ा छोटा टैंकर है, 4,000 लीटर आता है इसमें, तो बस हॉर्सेस के लिए ठीक है। अभी तक उन्होंने एक बार ही भरा मैंने ये, और उन्होंने 4,000 लीटर पानी दिया उधर चार घोड़ों में, इतने टाइम हो गए। चलो थोड़ा सा निकाल दो, मैं तो कोई दूसरी क्वार्ट नहीं आएगी, वैसे दूसरी क्वार्ट से पहले वो तो जाएंगे, पहले नहीं करती हूँ ट्रेन एक का चार क्योंकि सर और अगर आप बड़ा हार्वेस्ट बाय करेंगे तो हमें बड़ी फील भी चाहिए, यानी कि और फील भी चाहिए, क्योंकि हार्वेस्ट थोड़ी देर में कर देगा आप तो प्राइस साहब, मतलब 3 मीटर का हार्वेस्टर है जो अभी जिससे हम हार्वेस्ट करते हैं, और अब उसका हेडर आएगा 12 मीटर का, सॉरी 12.3 मीटर का, मतलब भाई साहब फ़र्क देख रहे हो, 4 टाइम हो गया, मतलब 4 गुना कम। एक जब वो एक चक्कर लगाएगा तो वो उस अभी वाले खतरे वाले ट्रैक्टर के 4 चक्कर लगते और तब भी नहीं हो पाता वो उतने काम जितना वो एक चक्कर में कर देगा, मतलब कितना टाइम सेविंग होगा वही फ्यूचर देख रहे हो, फ्यूचर में हार्वेस्टर इसके टाइम वेस्ट। ये हमारा शीप फार्म है, इसका मैप का यहाँ पर आप शीप रखो तो शीप दे दिया आपको वूल, जो कि वूल एंड यार्न फैक्ट्री में सेल होता है, और शीप ज़्यादा मेंटेनेंस नहीं बनती, बस इनको खींची है पानी चाहिए बस, और बाकी ग्रास भी दे सकते हो कंप्लीटेड ग्रास, अरे यार इसके पास भी जाना पड़ेगा थोड़ा सा भरा हूँ, तो उसको एक बार चेंज कर देते हैं पूरा, इधर से लेके आएंगे ताकि खाली कर दें आपके आप, और उसको वहाँ पे लगा देते हैं अगली फील्ड हार्वेस्ट करने के लिए। मैंने वाली फील्ड हार्वेस्ट को कल्टीवेट करनी चालू भी नहीं किया अभी, तो 2 महीने में जाती है, ईजी है, हेल्पर नहीं लगाते हैं, बहुत कम लगाते हैं पर क्योंकि फिर काम ही नहीं बचता। अब हेल्पर लगाना चालू करो क्योंकि हार्वेस्टर नए वाले में मज़ा आएगा भाई, सब बड़ा हार्वेस्टर है वो हेल्पर तो थोड़ी लगा रही है ऐसे चलेगा। ये हो गया खाली, अब यहाँ से चलते हैं अंदर, देखो कितनी कम नॉइज है, फिर भी बाहर बहुत ज़्यादा तकलीफ नहीं होती है इसकी, काम ही ना बहुत तेज लगती है इसकी नॉइज। चलो हेल्पर चलते हैं, ये 69 हुआ है तो उसको पूरा कर देता बस, वैसे घोड़े ना बहुत काम की चीज़ें हैं, सबसे ज़्यादा काम की चीज़ें हैं घोड़े देखा जाए तो, इनको ज़्यादा कुछ चाहिए भी नहीं होता, ज़्यादा कुछ परेशान भी नहीं करते और मस्त एकदम इजीली हो जाता काम इनका। एक बार ओट्स लाया हूँ मैं, 8,000 ओट्स पहले लाया था और ज़्यादा से ज़्यादा 5,000 अब लाया हूँ, मतलब समझ लो 13,000 ओट्स में इनका काम हो गया है, 12,000-13,000 ओट्स में ये 4 घोड़े
50-50 हज़ार मतलब मैक्सिमम तक हो चुके हैं और अभी भी और बहुत सारा है, बहुत सारे गन मतलब हैं बहुत से बहुत अभी हो गए 100%। यहाँ से अरे चला गया, चलते अपने इसमें ट्रैक्टर में जाते हैं, चलते अपने काम पे वापस से। और थोड़ी देर में इनको हॉर्स, वैसे हॉर्स हो गए कितने का देखिए, 37,000 क्लेम भी कर देता आपके पास, 37,000 31,000 31,000। ओके मैं सोच रहा हूँ एक दिन और, इतने तो मेरे हार्वेस्ट वार्वेस्ट भी होगी, एक दिन और फिर हार्वेस्ट लेते हैं अपने, उनको 40,000 का होने देते हैं। ये देखो ये आवाज़ क्या करना जो भी आई थी ना, एकदम सही लगती है। ओहो 40,000 का तो वैसे भी अभी रात ही रहेंगे, मैं टाइम वास्ट कर दूँ बस। वो तो लगाते साइड में, हम करते हैं हार सोइंग हार कल्टिवेटिंग। इसको उतारते हैं और नई क्रॉप लगाते हैं। ये क्रॉप भी रेडी टू हार्वेस्ट है, लेकिन मैंने अभी हार्वेस्ट करने के लिए रुकाई हुई है सर, दुकान इन द सेंस मतलब मैंने रियल टाइम कर दिया था, अपना तो रुक जाती रेल में तो होती बहुत टाइम लगाती है। ओहो ये क्या कर रहा हूँ मैं, मेरा भी दिमाग ख़राब हो गया भाई। चलो वहाँ से कर लेते हैं, अब इसको लगा देते हैं यहाँ पे काम पे। वर्कर हायर नहीं, वर्कर हायर नहीं करना अभी, कुछ काम नहीं है, फिर रात होने का वेट करते हैं 12 बजने का, ताकि नया दिन अगर हॉर्सेज हो जाए सही। 40,000 तो जाएंगे अगले अगले दिन हॉर्सेस, फिर मैं इन्हें बेचाऊँगा इसी, एक ही को बेचे आऊँ मैं, एक बेचूँगा तो मतलब एक पिक्चर 40 का यानी कि हार्वेस्टर हमारा हो जाएगा पूरा, फिर 20-30 हज़ार की चाहिए हमको, कैलकुलेशन गलत हो गई मेरे, 15-20 हज़ार चाहिए हेडर के लिए। चलो देखते हैं 15-20 हज़ार की, तभी क्रॉप भी देखूँगा मैं, वो बाड़े पड़ी है, सही बात है वो भी बेचूँगा, प्राइस देख लेते बाड़े का, बाड़े का वो प्राइस चल रहा 673, कुछ खास प्राइस नहीं है बिल्कुल भी, घटिया प्राइस सारा। अब मैं वेट इसलिए कर रहा हूँ हर कल्टीवेट इसलिए कर रहा हूँ ताकि थोड़ा सा टाइम हो, क्या पता बाड़ी का प्राइस ऊपर हो जाए थोड़ा सा, 100-200 के ऊपर मिले तो मज़ा आ जाए कम से कम। और दूसरा वाला घोड़ा तो नहीं बेचना पड़ेगा मुझे, दूसरा वाला घोड़ा भी बेचना पड़ेगा मुझे अगर ऊपर नहीं आता तो, क्योंकि हार्वेस्टर तो ले नहीं, मैं इस हार्वेस्टर से तंग हो गया हूँ, बहुत ज़्यादा परेशान करता है ये, उस वाली फील्ड को हार्वेस्ट करने में कम से कम आधा घंटा लगा देता है भाई साहब। तो मैंने सारी सोयाबीन बेची है सारी की सारी, और पता है क्या आपको एक बात और बता दूँ, मैं बताने भूल गया इतनी कल्टीवेट करो ना, वो बात आप सुनो, मैंने सोयाबीन इकट्ठी कर ली 80,000 के आसपास, 80,000 लीटर के आसपास, 80,000 से 90,000 लीटर के आसपास, और प्राइस आ ही नहीं रहा भाई साहब, 50,000 से मैं प्राइस देखे जा रहा हूँ तो ढंग का प्राइस आ ही नहीं रहा, 1500 यही प्राइस आया जाएगा, मैंने कहा बाद में बेच देंगे, और फिर ना 1700 कुछ का प्राइस आया, मैंने कहा बेच देते नहीं तो प्राइस ही नहीं आया, और हार्वेस्टर डिले हो जा रहा है, टाइम वेस्ट हो रहा फालतू में। और भाई साहब मैंने पूरा सोयाबीन बेचा, और वैसे ही जैसे सोयाबीन बेचे ना 2000 का प्राइस, 1900 कुछ का, मतलब हद होती है गेम की यार,
1900 कुछ का 200 रुपये पर 1000 लीटर फ़र्क हो गया भाई साहब, मतलब कम से कम 20,000 का अंतर हो गया, और वही 20,000 अभी कम पड़ रहे हैं। मैं अगर 10 मिनट और, क्या पता तब भी नहीं होता 10 मिनट और रुकता तो, पता नहीं यार मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है। खैर छोड़ो, फिर भी सही डील मिल गई, वरना तो 1600 में, 1650 में बेचने को तैयार हो गया था, क्योंकि प्राइस ही नहीं आया था भाई ढंग का, अब बेचना तो था ही क्योंकि जल्दी सारा चल लेना। मैं बहुत टाइम तक खेल रहा था गेम, लगभग समझो 5-6 घंटे गेम खेली मैंने, और मेन बात तो प्राइस ही नहीं आता, नहीं तो बहुत जल्दी हो जाता है काम, प्राइस ही नहीं आके दे रहा ढंग का, प्राइस ही 1300 मैं देखता हूँ बार बार, अब हो रहा है प्राइस 1200 पे था, अब हो रहा है 1500 आके रुक जा रहा है, फिर अब हो रहा है 1600 पे आके डाउन हो रहा है अपने आप ही, मतलब भाई क्या यार। और जैसे ही मैंने सोयाबीन बेची ना उसके बाद तो प्राइस अभी तक गया नहीं, देखो अभी दिखाऊँ आपको, दिखाता हूँ ये देखो अभी भी बिग जो मैं 1742 का है, मतलब हद है ये, कांस्टेंट है जब से मैंने बेची ना तब से कांस्टेंट है बिग जो पे, और अभी ये हार्वेस्टर के ला रहा ना एक ट्रैक्टर ले 5000 लीटर ले आएगा, वो भी बेच देंगे कम से कम कुछ तो पैसे आएंगे, और वो हार्वेस्टर खरीदने के बाद भी पैसे होने चाहिए, कहीं पता चले हार्वेस्टर खरीद लिया और पैसे एक बिना जेब में, ये फिर तो वही करती है। तो गाइस कमेंट सेक्शन में बताओ और कौन सी क्रॉप आपको अच्छी लगती है जो मैं उगाऊँ यहाँ पे अपने फार्म्स पे उगाऊँ, क्योंकि एक क्रॉप में मान तो मैं इसमें प्रॉफिट ज़्यादा होता है, लेकिन मज़ा नहीं आता यार एक क्रॉप में, अपनी अपनी फेवरेट क्रॉप बताओ गाइस कमेंट सेक्शन में, इसको हम फॉलो करते हैं, फर्टिलाइज़र भी हाथ कर ही देते, नहीं तो फर्टिलाइज़र करना भूल जाता हूँ, फिर एक बार मैं फर्टिलाइज़र करना भूल गया उस वाली ये वाली फील्ड में ना एक ही ये वाली जो है एक ही मतलब एक ही वो हार्वेस्टर आया पूरा, एक हार्वेस्टर सोयाबीन मिली बस, और जबकि इसमें से 2.5 हार्वेस्टर मिल जाते हैं आराम से उसका, यानी कि 5-10,000 लीटर उसमें से मिल जाती है हर एक बारी में, अगर फर्टिलाइज़र करो तो, मतलब फ़र्क दिख रहा है अब ये फर्टिलाइज़र की मशीन को भी अपग्रेड कर रहा है, बहुत चल करेंगे सही, यहाँ पे भी नहीं आ रहा है, चलो यहाँ पे ढंग से की नहीं है ना सही, थोड़ी थोड़ी आ गई, कोई नहीं तो इसमें वाली फील्ड भी लगभग कर दी है हार्वेस्ट, ये हमेशा थोड़ा सा रह ही जाता है, कभी कभार कर देता हूँ, कभी कभार मन आता है तो करता हूँ, नहीं करवाने देता हूँ अब नहीं करूँगा, क्योंकि वहाँ से रह गया ना थोड़ा सा, क्योंकि एक एक लाइन वो वहाँ से थोड़ा सा ऐसे ख़राब था ही, और यहाँ से एक लाइन गई बस, इतना तो चलता है, और उसके लिए क्या मैं पूरा द्वार से जाऊँगा, चलो 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 कितना हुआ, अरे यार इसने तो कुछ भी नहीं लिया यार, उसके बाद तो भी कुछ जमा ही नहीं हुआ, इसमें देखते हैं 7000 का रात में होगी, कितना टाइम होगा यार, वो तो रात होने के आसार देख नहीं रहे मुझे, चलो उसको कोई कल्टिवेट करते हैं गाइस, क्या कर सकते
ये हो गया है, 262 बड़ी मुश्किल से हुआ, बाकी चलो कोई बात नहीं, वो तो जो ना करता है ना समझ लेगा उसके साथ में करा रखते हैं। उसको लेके चलते 40,200 कुछ का हुआ है घोड़ा और समारा मतलब, तो उसको बेचते हैं और देखते हैं क्या कर पाते हैं। बड़ी मुश्किल से रुके वो, मैंने सफाई की थी, मेरे को लगा 300 रुपये सफाई करके कुछ ज़्यादा बढ़ गया तो नहीं, बड़े 100 रुपये 200 रुपये का नुकसान हो गया। चलो कोई बात नहीं, साफ़ सुथरा बेच रहे तो उनका वो साफ़ सुथरा दे रहा हूँ। इस हाथ का ट्रेलर को भी मैं सेट कर देता हूँ, छोटा में रहते हैं सीता वहाँ पर ट्रेलर अपना सब कर सब, ताकि मैं चाहता हूँ शॉप पर दिखे अपनी वो खड़ा, लेकिन वजह से यहाँ पर मैं पागल ऐसे बोल रहा हूँ अब दिखेगा इधर कोई खड़ा है ट्रेलर। अब चलते हैं सीता अपने इसको सेल करने डायरी स्टॉक के पास, डायरी स्टॉक कटिंग देख दो ऑर्डर वो आर एस को मैंने बिल्कुल काम पे लगा रखा है, पूरे से काम करवा के चलेगा मैं उसको कहीं कर लेता हूँ, उसमें सामान भी निकालेगा उसमें से क्रेन भी तो निकालने में कल तब देखेंगे, मैं तो खाली में क्रेन फालतू में क्रेन से उठा रही है भाई 2,000-3,000 में। पता भी क्या हुआ ना, इसने जितनी क्रेन प्रोड्यूस की थी ना उससे थोड़ी सी उतनी थोड़ी सी की थी, ज़्यादा नहीं की थी वो ना, मैं वहाँ पर उसमें बेचने बिग जो में मैंने प्राइस नहीं चेक किया, मैंने कहा वही हो रहा था प्राइस, और जाके मैंने सेल करने को देखा 2,000 ही मिले मेरे को जो, चलो पहले इसके तो मिल गए 40,000 थोड़े तो ना 2,000 ही मिले, मैंने कहा तो सेल थोड़ी सी ज़्यादा थी 2,000 तो कम है, फिर मैंने जाकर देखा प्राइस था 900 मतलब 1,700 से 900, और वो प्राइस सिर्फ और सिर्फ इसलिए हुआ क्योंकि मुझे अभी बेचना चुका है, और तभी मैं आपके सामने भी आया ना वहाँ पे से वेस्टर्न ग्रेन में बेच के आया था 1,600 से कुछ ना 3,000-4,000 की बिक्री होगा फिर काम ना हो। चलते हैं इसको रखते हैं यहाँ पर पिटली ऐसे पकड़ देते हैं पकता है इसको, और इसको स्टॉप कर देते हैं, नहीं तो इसकी वैल्यू डिक्रीज हो जाएगी। मैं सोचा इसको ऐसे कर देते, मैं अभी रूम लेने जा रहा था अपना ट्रेलर वापस से, मैंने सोचा सड़क कर गया थे इसको वहाँ जाता पता पता नहीं कर देते हैं पता चलाना। अरे यार चाह मुझे ऐसे काम करते हैं खराब करने वाले कपड़े को यहाँ फेंक दो उसको वहाँ फेंक दो, बस इसको अनलोड करने की दे दी है उन्होंने, मैं ट्रैक्टर भाई को लेकर रखता हूँ। तो भाई साहब आ चुकी हमारी घड़ी, ये कर लिया हमने भाई, वेरी गुड, मज़ा आ गया भाई साहब, नया ट्रैक्टर हमारे पास आ गया, फिर से हम गरीब हो चुके हैं, 20,000 इसके और 65,000 इसके 85, ओ भाई साहब ट्रॉलर चेंज है भाई, ऐसे नहीं किया प्लीज़, अब कहाँ से लाऊंगा मैं 4,000, और कटर नहीं हुआ तो क्या 4,000 लूँगा इनका, सिर्फ उसका क्या करूँगा, अब तक कोई क्रॉप भी नहीं है मेरे पास, बेचना होगा तो अक्सर घोड़ा ही बेच सकता है। अरे यार मैंने भी कैलकुलेशन की गलती कर दी, बाकी क्रॉप भी बेच सकते लेकिन ये भी 1,000-4,000 इतने से क्रॉप का, चलो कोई बात नहीं देखते हैं क्या था। ये हो गया हम लोग पहले इसमें चेक करता हूँ कितनी क्रॉप इसमें क्रॉप की होगी, 1,300 मतलब 2,000 का है, 2,000 मिलेगा तो चल करें इसको भी सेल करें, तो इसको भी सेल कर देते हैं और वहाँ पर सेट मिला सर 83,000 आर एस सीरीज और हमें चाहिए कितने का आर एस का नंबर लेना, तो वहाँ से लेना
89 मतलब 5 साल और सही है, सब सही है। नहीं नहीं बढ़िया बहुत बढ़िया, क्रॉप में पास कुछ नहीं है फिर उसी तरह से बोले ना। प्राइस देख रहे हो भाई साहब, नहीं मतलब प्राइस देख रहे हो बस, मतलब कि कंगाल हो गया। इसको एक को लेने से कम पूरा कंगाल हो गया ना। हाँ यार क्या हो रहा है, एक मिनट इसके साथ में भी चलता हूँ तो आप तय कोई बोल रहे थे। 5 साल अगर नहीं आती तो रिप्लेसमेंट करेंगे, कोई ऑप्शन नहीं है इसमें तो इसको वहाँ पर खड़ा कर दूँगा। तो बस 5 साल मिल जाएंगे ना से 1300 रुपये ना, 5 साल मिलने तो बड़ा मुश्किल है सर। पेट्रोल 83 है हमारे पास और 89 का है वो आएगा स्टॉक वो पता। अरे क्या मुसीबत में फंसा हमारे पता इसका चल रहा है सर। हाँ हाँ सारे काम आज ही होगा ना, मतलब भाई साहब इतना मैं कभी भी परेशान नहीं हुआ हूँ इस गेम में, हम पहले भी खेल चुके हैं मतलब हद गया भी पड़े थे ऐसे कर दो जैसे एक बूंद गिर रही हो बस, बिल्कुल एक बूंद गिर रही है तो चलो फिर नीचे एक बूंद को आ रहे हैं। क्या पता 5 साल बन जाए हमारे, 5 साल में 4 हज़ार के बन जाने के, 4 हज़ार बन गए ना तो हो जाएगा 15,000 रुपये फिर तो लाइफ सॉफ्ट है। और अगर नहीं बने फिर एक प्लेटा भेजना पड़ेगा इतनी लंबी वीडियो हो गई। चलो वीडियो तो मैं थोड़ी शॉर्ट कर दूँगा, यहाँ से ही जाते बात कर रहे हैं थोड़ा बहुत शॉर्ट कर सकता हूँ, ज़्यादा तो नहीं कर सकता। देखते हैं यहाँ से 5 साल बन गए तो मज़ा आ जाएगा। दो हज़ार से मिले 3,000 फिर इसमें भी लीज का सिस्टम होता है जैसे 19 है ना भाई, 1,000-2,000 तक कम बचे क्या करूँगा, बड़ा देखना पड़ेगा कोई ऑप्शन नहीं है। अगर वो क्रॉप भी भेज तब भी कितना होने वाला है, कितनी है वो क्रॉप, और 1,300 में भी बिके तब भी 1,300 ही मिलेंगे और इससे बात है क्या करेगा। 1,300 मिले तो शायद से कोई भी 2,000 की देख पड़ेगी, एक और खोल दीजिए खाने के लिए, एक और घोड़ा बेचने के बाद में एक और चीज़ देने की कोशिश करना कटा भी देखने बाद। तो हाँ भाई घोड़ा हमने ले लिया है, एक और बेचना पड़ेगा ये भी मजबूरी है क्या कर सकते हैं, मेरा घोड़ा काफ़ी आपको देखना होगा भी है। चलो फिर अब तेज से घोड़ा भी क्या कर सकते हैं, दिमाग ख़राब हो गया मेरा सारा फालतू में जो दोनों घोड़े बेचने पड़ेगा, मैंने सोचा था एक भी नहीं बेचना पड़ेगा अभी दोनों बेचने पड़ेगा। चलो कोई बात नहीं, अपना आवश्यक आ गया ना क्वेश्चन वहाँ तो आ ही जाएगा, अब तो कोई दिक्कत की बात ही नहीं। अरे भाई ऐसा था मतलब बड़ा टाइम बता दिए नहीं तो, अगर मैं उसको थोड़ी सी और कॉप कर ही देता ना तो हो जाता था, लेकिन फिर वो उसकी वैल्यू देखी जाती इन्होंने कुछ आते ना बेस के ऊपर होता है या वर्क के ऊपर होता है, लेकिन तुम बताने चाहिए देखिए कोई प्रॉपर्टी नहीं करती थी इसमें तो एक भी ज़्यादा प्रॉप कम नहीं देखता भी क्या चक्कर है, स्क्वायर चेंज करो ना अपने बड़ी वाले स्क्वायर देखा हूँ वाले आपको कागज के फर्टिलाइजर का कितना पता कम दिखता है, स्क्वायर करता है
24 का है, इसे बता देता हूँ फोकस से 15,000 एक्स्ट्रा भी ले रहा है मतलब, और काम से बस इसमें वो है ठंडी है। अरे क्या पता है ये कुछ नहीं है। फाइनली 9 हार्वेस्ट इज कम्प्लीट। वो आप ये मत सोचना कि मैं इस पर क्यों ले रहा हूँ हेडर, क्योंकि हेडर बड़ा है बहुत है। और मैंने टेस्ट इसलिए पहले अपने दूसरे एल्बम में मेरे पास ज़्यादा पैसा है ना, तो उसमें पहले टेस्ट करके चेक कर चुका हूँ मैं कि ये है सही वर्किंग है। वर्किंग मतलब वो चलता है इसके साथ, बस इसमें करना चाहिए क्योंकि वो वाला बोल जो है बस चलेगा सही में। बहुत बड़ा हार्वेस्ट हो, बहुत बड़ा है देखिए ऐसा, मतलब एक बार में आप जिससे ज़्यादा फिश को ही करते थे चले हार्वेस्ट में, कितने निकले अगर चेक तो करूँ हमारे पास 36,000 होते हैं और 61,000 का मोर आता है भाई साहब, सही बात 30,000 में तो मोर आता है ना, 30,000 से कम 24,000 में यानी कि अपने काम ईजी हो जाए थोड़ा सा मोर आने के बाद। तो हाँ डेटर